Hello students, how are you? Okay, fine. Now we start another complement. Minus 9 के लिए plus 5, minus 4 and minus 10 करते हैं. इसी तरह से minus 8 के लिए plus 5, minus 3 and minus 10 करते हैं. यार same है, because 8 का complement 10 होता है. Right? तो जब हमें 8 minus करना होता है, तो 10 को minus करके 2 को plus करते हैं. एंड जब 2 को प्लस करते हैं तो 2 का फ्रेंड 3 होता है, दैट मीन्स कि 3 डाउन एंड 5 अप. जो हमने 5 का कम्प्लीमेंट पहले पढ़ा था, याद है ना, कि अगर हमें 2 प्लस करना है, राइट ना, 2 प्लस करना है, मान लो इसमें 2 प्लस करना है, हमारे पास 2 प्लस नहीं हो सकता, तो हम 5 को प्लस करके एंड 3 को डाउन कर लेंगे. ये कम्प्लीमेंट है. सेम उसी टाइप से 4 में भी था, कि जब हमें कहीं पर मान के चलो 1 प्लस करना है, तो क्योंकि 9 को हमें अगर माइनस करना होता है तो 10 माइनस करके 1 प्लस करना है, बट 1 प्रेजेंट ही नहीं है. मान लीजिए यहाँ 4 है और 1 प्रेजेंट है ही नहीं, तो 5 को प्लस करके 4 को डाउन कर दीजिए, तो 1 प्लस हो गया. तो दोनों कम्प्लीमेंट को मिक्स कर दिया गया है और इस क्वेश्चन में यूज़ किया गया है. ठीक है, सो क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन फर्स्ट, 23 माइनस 8 के लिए क्या करना है, 10 डाउन 5 अप 3 डाउन. 15 प्लस 62 प्लस 11 1 यहाँ से 1 यहाँ से 88 आंसर आ गया. राइट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 33 माइनस 18 के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 डाउन कर दिया, फिर 8 डाउन करना है, तो 10 डाउन 5 अप 3 डाउन. 15 प्लस 22 माइनस 16, नाउ 16 माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 यहाँ से माइनस, नाउ 6 माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 डाउन, है ना, 10 डाउन और यहाँ से 6 डाउन. व्हाट इज द आंसर, 16 माइनस करने के लिए क्या डाउन करना पड़ेगा, है ना, 16 ना, 23 देखो 33 माइनस 18 है, तो 33 माइनस 18 क्या करना पड़ेगा, 18 के लिए 10 डाउन एंड फिर 8 के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 अप 3 डाउन एंड 10 डाउन. 15 फिर प्लस 22 है, 22 माइनस 16 के लिए क्या करना है, 10 और 6. व्हाट इज द आंसर, 21 आंसर. सो देखना है दोनों तरफ, तो उस वजह से थोड़ी सी जो है आपका माइंड इधर से उधर हो सकता है. सो आपका कंसंट्रेशन क्वेश्चन पे होना चाहिए. ठीक है, 94 क्योंकि हमें आपको भी देखना है ताकि आपकी कंसंट्रेशन हमारी तरफ रहे, लेकिन उसके बाद जब क्वेश्चन लिख लेंगे तो फिर आपको क्वेश्चन ही करना है. सो 94 तो 94 माइनस 58 5 8 माइनस करने के लिए 8 है यहाँ पे, नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 8 के लिए क्या करना है, देखो 5 अप 3 डाउन 10 डाउन, सिंपल सी. इसके बाद माइनस 11 तो 1 प्लस 61 व्हाट इज द आंसर, 86 राइट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 33 तो 33 माइनस 18 अगेन टाइप क्वेश्चन आई थिंक, ओके 26 है यहाँ पे, है ना, सेम टाइप क्वेश्चन है ऊपर भी. 33 माइनस 18, माइनस 18 के लिए क्या करना है, 10 डाउन और 8 के लिए क्या करना है, 5 अप 3 डाउन 10 डाउन. फिर अगेन प्लस 20 एंड 2, फिर माइनस 26, ओके 26 माइनस, तो 11 आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन 34, सो 3 एंड 4 माइनस 19 के लिए 10, अब 9 है नहीं यहाँ पे, तो 9 के लिए क्या करना है, 5 अप 4 डाउन 10 डाउन. फिर प्लस 23 माइनस 18 1 राइट, 8 है यहाँ पे, यस माइनस 18, आई थिंक आंसर कितना, 20 राइट. फिर अगेन 22 है, 20 एंड 2 22 प्लस 12 1 और 2 प्लस, फिर अगेन कीजिए माइनस 19,
19 के लिए देखो यहाँ पे 10, 10 यहाँ से डाउन करा, 9 यहाँ नहीं है, तो हमें क्या करना है, 5 अप 4 डाउन 10 डाउन। इसके बाद हमें क्या करना है, प्लस 22, सो 20 एंड यहाँ से 2, क्या हो गया 37, व्हाट इज द आंसर, 37 आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 48, फिर 4 और 8, 48 राइट, 48 माइनस 18, बताओ 18 के लिए क्या करेंगे, 10 यहाँ से डाउन, 8 है यहाँ से 8 डाउन कर दी, प्लस 54, 5 मतलब 50 एंड यहाँ से 4, 54 माइनस 58, 5 8 यहाँ पे है नहीं है, 8 के लिए क्या करना है, 5 अप 3 डाउन 10 डाउन, व्हाट इज द आंसर, 26, 26। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, लास्ट क्वेश्चन है 64 माइनस 59, 5 और 9 माइनस करने के लिए क्या करेंगे, 5 अप 4 डाउन 10 डाउन, क्वेश्चन प्लस 22 माइनस 16 के लिए क्या करेंगे, 10 यहाँ से 6 है यहाँ पे, तो 6 यहाँ पे, कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे 10 यहाँ से डाउन किया, 6 यहाँ से डाउन किया, तो 6 के लिए फिर 5 अप कर देते हैं, तो ये आपका दिक्कत हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब आप खुद देख रहे होंगे कि क्वेश्चन में फॉर्मूला को पैटर्न बैठाने के लिए एटलीस्ट आप इस क्वेश्चन को 3 बार 4 बार जरूर करेंगे, 3-4 बार जब इस क्वेश्चन को करेंगे ना, तो 100% है कि ये फॉर्मूला आपके दिमाग में तुरंत बैठ जाएगा, आपको ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगा कि जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास 20 है और 20 में से हमें 16 माइनस करना है, तो 20 में से 16 पहले 10 और 6 माइनस करने के लिए 5 अप करते हैं, है ना, अब 6 माइनस करने के लिए क्या करेंगे, फिर 10 डाउन और 6 अप कर देंगे, ये पीछे का कॉम्प्लीमेंट तो है ही है और यहाँ का कॉम्प्लीमेंट ये है, तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम टाइम इन क्वेश्चन को लिख के प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस के बाद ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं कि आप सॉल्व कर रहे हैं, और सॉल्व करके आप चेक भी कर सकते हो अदर चीज़ों पे, या जैसे आप पहले करते थे उस मेथड से चेक कर लीजिए, या कैलकुलेटर पे चेक कर लो, मैं कहता हूँ कि नहीं करने की ज़रूरत होगी, आप 2-3 बार करोगे तो अपने आप एरर पता चल जाएगा, अगर 2-3 बार करने पे सेम आंसर आ रहा है इसका मतलब आप राइट हो, और आप इन क्वेश्चनों का आंसर अगर हमारे पास भेजेंगे तो और बढ़िया रहेगा, और ये पता चलेगा कि ठीक है आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट भेज रहे हैं और उनको सपोर्ट मिल रहा है हमारे तरफ से, और उनको क्वेश्चंस भी दिया जा रहा है और नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए, इससे क्या होगा कि कभी भी टेस्ट